वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज स्पीक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ब्लॉग दीपावली वाला ब्लॉग है, और आप देख पा रहे हैं कि काम कुछ चल ही रहा है। बहुत कुछ यहाँ पर दीवार का प्लास्टर भी उखड़ा हुआ था, और बारिश होने के बाद तो देहरादून में खास तौर से बहुत सारी काई लग जाती है, दीवारें बहुत गंदी हो जाती हैं बरसात में, और चूने वगैरह के स्टेन्स भी आ जाते हैं। तो इन सबको हटाने के लिए आपको सफाई करवानी ही पड़ती है, और वैसे भी सर्दियों से पहले एक बार, दिवाली से पहले, त्योहारों से पहले सफाई होनी भी चाहिए। हालांकि मेरे मकान में तो मैंने व्हाइट वॉश अभी 2-3-4-5 साल से नहीं करवाया, तो ये एक मौका है, इसमें करवा लेते हैं, थोड़ी सफाई भी हो जाएगी, मकान भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही गंदा दिखाई दे रहा, सारे प्लास्टर निकले हुए हैं, प्लास्टर के अलावा पेंट भी निकला हुआ है, और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सारे काम होंगे दिवाली पे, और उसके अलावा थोड़े बहुत काम और भी करने पड़ते हैं आपको, काई भी हटानी पड़ती है। ये देहरादून में हर मकान पर कुछ ना कुछ काई जरूर लग जाती है। एक तो यहाँ मकान में कहीं ना कहीं टपकने शुरू हो जाते हैं, ये बारिश होती है, बारिश की वजह से कितना भी आप कोशिश कीजिए लेकिन काई आपको लगी दिखाई दे रही, टीन के नीचे काई लगी, ये हर बार का होता है। तो कोशिश होनी होती है कि इसको जैसे ही बारिश खत्म हो इन सबकी सफाई कर ली जाए। आज बस यही सब और दिवाली का ब्लॉग मेरे साथ। अब दोस्तों, ये लड़का जो कि काम करने वाला है, और ये पूरा व्हाइट वॉश भी करेगा, और थोड़ा बहुत जहाँ प्लास्टर निकला होगा वो भी कर देगा। फिलहाल कुछ बैठा हुआ सोच रहा है, या कुछ सामान का शायद वेट कर रहा है, या मिक्सिंग कर रही होगी, उसका इंतजार कर रहा होगा। काम से शुरू किया, और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इसने पहले तो काई निकाली, काई निकालने के बाद इसमें पेंट कर रहा है वॉल के ऊपर। फिलहाल ये छत के ऊपर कर रहा है, पेंट भी करना है, और कहीं पर पुट्टी का भी इस्तेमाल होना है, और बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है। देखते हैं, इसके लिए 3-4-5 दिन का काम तो हो ही गया, और बिल्कुल ऐन मौके पे काम स्टार्ट किया गया। कुछ पहले करता तो शायद अच्छा रहता, लेकिन सोच विचार में, और कई बार आप ज्यादा सोचते रहते हैं तो काम आपके छूट ही जाते हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो परिवर्तन होगा, कुछ तो सफाई हो जाएगी, थोड़ी बहुत सफाई जरूरी होती है। चलिए इसको करने देते हैं काम, बाकी ये लड़का मेहनती है। हालांकि पेंट शायद इसके ब्रश चलाने से लग रहा है पहले इसने कभी किया है नहीं किया। इसको मिला लेना अच्छे से, हाँ।
दोस्तों विश यू ए वेरी हैप्पी दीपावली और आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके घरों को सुख समृद्धि और आशीर्वाद से भर दे। अपने जैसे साथ में अपने करियर जो करेगा धीरे धीरे उस पर ध्यान देना।